फ्रेंड्स, प्रोफेसर डॉक्टर गौरव मेहता। और जैसे कि आपको पता है, हम कंटिन्यू करने वाले हैं अकाउंट्स का सेक्शन बी, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें हम 100% मार्क्स लेने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपको कुछ 120 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। मेरे 4 से 5 वीडियो बनेंगे इसके ऊपर, और पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है वो आपको रिवाइज़ करवाऊँगा। और उससे होगा वो कि आपको मोर और लेस उसी में से फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच हेडिंग डिबेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो डिबेंचर्स जो है वो उसको कहाँ दिखाया जाता है कंपनी की बैलेंस शीट में। सो डिबेंचर्स आर शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज ऑन इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। हमको ऑलरेडी पता है कि ये जो है डिबेंचर्स वो बहुत ही ज़्यादा सालों के लिए होते हैं, तो वो किसका पार्ट है फ्रेंड्स? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। तो शेयर्स और डिबेंचर का वो डिफरेंस है, आपको पता ही है ऑलरेडी। तो डिबेंचर्स जब भी लिए जाते हैं तो डिबेंचर होल्डर जो है उसके पास शेयर होल्डर से ज़्यादा राइट्स होते हैं। मतलब कंपैरिजन में जो डिबेंचर होल्डर है वो आउट परफॉर्म करता है। मतलब कि डिबेंचर्स क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। वो कहाँ पर दिखाया जाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में, क्योंकि वो करंट लाइबिलिटी नहीं है, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, वो बहुत ही सालों के लिए रहता है। ऑन इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, इक्विटी लाइबिलिटी तो है ही, तो ये इक्विटी लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में इसको दिखाया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इंटरनल एनालिसिस? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एनालाइज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर देयर डिसीजंस, इट इज़ नोन एज इंटरनल एनालिसिस। मतलब कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको मैनेजमेंट द्वारा एनालिसिस किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है उनके डिसीजन के लिए, मतलब कि उनका डिसीजन मेकिंग के लिए, तो इनको बोला जाता है इंटरनल एनालिसिस। तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिसीजन लेने के लिए यूज़ किया जाएगा तो उसको बोला जाएगा इंटरनल एनालिसिस। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन रेशियो इज़ यूज़फुल और व्हेन इज़ रेशियो यूज़फुल? ओके, तो रेशियोज़ हम फाइंड करते हैं, हमको ऑलरेडी पता है, तो रेशियो का बहुत ही स्मॉल आंसर है। When ratio are compared with any standards, the ratio are useful. जैसे कि आप बोल सकते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है या नेट प्रॉफिट रेशियो है, कोई भी रेशियो आप ले सकते हो, तो उसको जब भी कोई स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाएगा तभी हमको पता चलेगा कि हमारी कंपनी जो है वो कितना अच्छा या कितना बुरा परफॉर्म कर रही है। तो अगर स्टैंडर्ड जो है वो 1.5 है और हमारा रेशियो जो है वो 0.8 है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। सो वेन एवर रेशियो आर कंपेयर्ड विथ एनी अदर स्टैंडर्ड, रेशियोज आर यूजफुल। तो ईजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। ये स्टार क्वेश्चन है हमारा, स्टार मतलब कि मोस्ट IMP, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सारे हैं ही बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वॉट इज इंडिकेटेड बाई हाई क्रेडिटर्स टर्न ओवर? ओके, हाई क्रेडिटर्स टर्न ओवर का मतलब क्या होता है? तो हाई क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो मीन्स लोअर पेमेंट एफिशिएंसी। अभी यहाँ पे क्रेडिटर का टर्नओवर बहुत ही ज़्यादा है, उसका मतलब क्या है कि हमने एक पर्सन से भी लोन ली, दूसरे से भी लोन ली, तीसरे से भी लोन ली, तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टर्नओवर है। फिर क्या हुआ, एक की लोन देने के लिए हमने फिर से किसी और से लोन ली, तो वो क्या दिखाता है फ्रेंड्स? लोअर पेमेंट एफिशिएंसी। मतलब कि अगर हाई क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है तो वो दिखाएगा लोअर पेमेंट एफिशिएंसी। तो पेमेंट एफिशिएंसी जो है वो होगी लोअर अगर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो हायर है तो। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव एन इल्यूस्ट्रेशन ऑफ कैश ट्रांजेक्शन बट नॉट द कैश फ्लो। तो आपको एक ऐसा एग्जांपल देना है कि जो कैश ट्रांजेक्शन तो है लेकिन वो कैश फ्लो नहीं है। तो ये भी स्टार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखते हैं, कैश डिपॉजिट विद द बैंक और कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, दीज आर द ट्रांजेक्शन्स विच आर कैश ट्रांजेक्शन्स बट दे आर नॉट कैश फ्लो। तो जैसे कि आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो या बैंक में से पैसा निकालते हो, तो ये दोनों कौन से ट्रांजेक्शन हो गए फ्रेंड्स? ये ट्रांजेक्शन हो गए कैश ट्रांजेक्शन्स, बट ये कैश फ्लो नहीं है क्योंकि ये कैश आता या जाता नहीं है, ये हम हमारे ही कैश जो है वो बैंक में डालते हैं या हमारी ही कैश है जो बैंक में से हम निकाल रहे हैं। तो ये कैश ट्रांजेक्शन्स तो है लेकिन कैश फ्लो नहीं है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।
what is revaluation of goodwill. So determine the value of goodwill at the time of reconstruction of a partnership with revaluation of assets and liabilities. It is called revaluation of goodwill. चले देखते हैं, ये तो मैंने आंसर ही बोल दिया, तो मैं आपको एक एक पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे हम हमेशा लक्ष्य में करते हैं, माइनर से माइनर पार्ट एक्सप्लेन करते हैं. तो वैल्यू जो है गुडविल की, वो डिसाइड करना एट द टाइम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन. तो रिकन्स्ट्रक्शन के टाइम पे कंपनी का जो गुडविल का वैल्यू है वो डिसाइड करना, उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल. और जब ये डिसाइड होता है तो उसके साथ क्या रिवैल्यूएशन होता है, क्या रिवैल्यूएट होता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. जैसे यहाँ पे बोला है विथ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, मतलब कि हम जब भी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप करेंगे, मतलब कि कोई नया पार्टनर आ रहा है या नया पार्टनर या कोई पुराना पार्टनर जो है वो निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं चेंज इन द पार्टनरशिप या फिर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप. तो ड्यूरिंग द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप हम जब भी गुडविल की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल. ऐसे आप सिंपली याद रख सकते हो. तो आपको अगर डेफिनेशन के साथ जाना है तो वो है डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ए पार्टनरशिप. इट इज़ कॉल्ड द रिवैल्यूएशन ऑफ द गुडविल. मतलब कि रिकन्स्ट्रक्शन के टाइम पे जब भी आप रिवैल्यूएट करोगे गुडविल को, कि गुडविल की वैल्यू पहले इतनी थी, अभी नया पार्टनर होने के बाद इतनी है, तो उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ गुडविल. चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ इज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड. तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो आप फाइंड करते हो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये तो आप मेरे ख्याल से अपने सभी सम्स में करते ही होंगे, पार्टनरशिप के फॉर्म्स में. तो जो भी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसका आंसर है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. तो ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में कैसे शेयर होगा, ये एज पर देयर ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो. मतलब कि उनका जो पुराना PNL रेशियो है, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, उसी के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो ये प्रॉफिट जो है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में. चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिवैल्यूएटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. मतलब कि एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूएट क्यों किया जाता है, मतलब कि उसका वैल्यूएशन फिर से क्यों फाइंड किया जाता है जब भी नया पार्टनर आता है तब. तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स. तो चलिए देखते हैं. न्यू पार्टनर इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी शेयर इन द प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन द वैल्यूज ऑफ असेट एंड लायबिलिटी टिल द डेट ऑफ हिज एडमिशन. मतलब कि जब भी नया पार्टनर आता है, जैसे कि मैंने आज ही कोई बिजनेस ज्वाइन किया, मैं पार्टनर हूँ और मैं पैसे लेके उस बिज़नेस को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मुझे गुडविल जो है या उसके एसेट और लायबिलिटी की जो वैल्यू है, राइट, तब तक उसमें मेरा शेयर कोई नहीं होगा. तो इसीलिए एसेट्स और लायबिलिटी जो है उसको रिवैल्यू किया जाता है पार्टनर के आने के बाद, ताकि पार्टनर का नया शेयर जो है वो डिसाइड हो सके. क्योंकि नया पार्टनर जो है वो उसका कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू में चेंज हो रहा है. कौन सी वैल्यू में? असेट एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंज हो रहा है. तो इसीलिए जो है एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू जो है वो रिवैल्यूएट की जाती है जब भी नया पार्टनर जो है वो एंटर होता है तब. चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी में मैं डिटेल एक और दे देता हूँ आपको. ही विल ऑल्सो नॉट शेयर सच लॉसेस. तो उसको कुछ प्रॉफिट में भी शेयरिंग नहीं होगा या उसका कुछ लॉस में भी शेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि वो तो आज ही एंटर हो रहा है. जैसे कि मैंने बोला कि मैं कुछ पैसे लेके आज ही कोई बिजनेस नया ज्वाइन कर रहा हूँ और एज ए न्यू पार्टनर में जा रहा हूँ, तो मैं एंटाइटल नहीं होऊंगा उनके एसेट और लायबिलिटी में, क्योंकि मैं तो आज ही ज्वाइन किया हूँ. तो यहाँ पे क्या होगा कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर रिवैल्यूएटेड एट अ टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. तो मेरे एडमिशन होने के बाद, मतलब कि मेरे पार्टनरशिप में आने के बाद, असेट्स को भी रिवैल्यूएट किया जाएगा, मतलब कि उसकी वैल्यू फिर से निकाली जाएगी, और लायबिलिटीज़ को भी रिवैल्यूएट किया जाएगा, मतलब कि उसकी वैल्यू को भी फिर से निकाला जाएगा फ्रेंड्स. तो ऐसा होगा यहाँ पे. इसीलिए यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू रिवैल्यूएट होती है, क्योंकि जो नया पार्टनर है वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ जो है उसमें प्रॉफिट और लॉस का शेयर नहीं करेगा.
चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो यहाँ पे हमने पहले भी देखा था कि डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप क्या होता है, मतलब कि जब भी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 जब भी बिजनेस जो है वो परमानेंटली क्लोज होता है तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे बोला है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब कि वेन एवर यू रीऑर्गेनाइज द पार्टनरशिप इट इज़ कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो दिस इज कॉल्ड सिंपल मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, वो जो था वो डेफिनेशन था, ये जो है वो सिंपल मीनिंग है। इन सिंपल लैंग्वेज व्हाट कैन यू से अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, तो दैट मीन्स कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। जब भी पार्टनरशिप को हम रीऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब कि नया पार्टनर आने से या फिर पुराना पार्टनर जाने से जब भी उसको चेंज करेंगे और रीऑर्गेनाइज करेंगे तो इसको बोला जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द टाइप ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी ऑफ देयर मेंबर्स। तो हमको पार्टनरशिप के टाइप्स बताने हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। तो मेंबर्स की लायबिलिटी के हिसाब से हमको देखना है कि कौन कौन से टाइप की कंपनीज हो सकती हैं। तो फर्स्ट टाइप है वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सेकंड इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड थर्ड वन कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब कि पहला जो है वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, मतलब कि वो कहाँ तक लिमिटेड है, शेयर होल्डर्स तक। सेकंड है लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब कंपनी कहाँ तक लिमिटेड है, गारंटी जितनी दी गई है, गारंटियर जितना है तब तक। और थर्ड जो है वो दिया है कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब कि वो कोई भी लायबिलिटी लेगी, उसकी कोई लिमिट जो है वो नहीं है। तो ये जो है वो तीन टाइप के कंपनीज के टाइप हैं कि जो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे डिसाइड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच प्रोविजन शुड बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ द डिबेंचर्स। मतलब कि जब भी डिबेंचर्स इश्यू होते हैं तो किसके प्रोविजन जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आपको एग्जैक्ट करेक्ट आंसर ही देना होगा जो एक्यूरेट भी होगा। तो वो है कंपनीज एक्ट एंड प्रोविजन ऑफ सेबी। तो कंपनीज एक्ट शुड बी कंसिडर्ड, मतलब कि कंपनीज एक्ट में जो भी दिया हुआ है कंपनी के अकॉर्डिंगली या कंपनी के रिलेटेड जो भी पार्टनरशिप के रिलेटेड दिया हुआ है कंपनीज एक्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से। और प्रोविजन ऑफ सेबी, सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इन दोनों के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली इश्यू ऑफ न्यू डिबेंचर्स विल बी कंसिडर्ड। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, मेंशन द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया ये तो, लेकिन आपको एक बार इसका आंसर पता होना चाहिए वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें कि क्या लिखना है। सो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स आर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा एरर है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, फाइनल अकाउंट्स है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स आर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बहुत ही इजी है, ये तीन जो पार्ट है वो है फाइनल अकाउंट्स के पार्ट। आगे जाते हैं, इन ऑर्डर टू अराइव एट ट्रेड रिसीवेबल्स इज बैड डेट रिजर्व डिडक्टेड फ्रॉम डेप्टर्स। मतलब कि हमको जब भी ट्रेड रिसीवेबल्स फाइंड करने हैं तो क्या बैड डेट्स रिजर्व जो है उसको डिडक्ट किया जाएगा डेप्टर्स में से या नहीं किया जाएगा। मैं आपको फिर से क्वेश्चन बता दूं कि आपको ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करना है, ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करना है तो क्या बैड डेट रिजर्व को डिडक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर है नहीं किया जाएगा। आपने कई बार किया भी होगा और स्टेटमेंट्स में भी किया होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी किया होगा कि अगर ट्रेड रिसीवेबल्स चाहिए तो बैड डेट रिजर्व को डिडक्ट नहीं करना है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एवरेज ट्रेड पेएबल्स। तो एवरेज ट्रेड पेएबल्स क्या है, तो एवरेज ट्रेड पेएबल मींस एवरेज ऑफ क्रेडिट एंड बिल्स पेएबल ऑफ क्रेडिट परचेज। तो वो किसका एवरेज होता है, एवरेज ट्रेड पेएबल्स जो है वो किसका एवरेज होता है, एक तो क्रेडिटर्स का और बिल्स पेएबल्स का, मतलब कि क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल उसका जो दोनों का एवरेज निकलेगा वो जो होता है एवरेज ट्रेड पेएबल्स। ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर्स जो है उनको भी हमको पैसे देने हैं, बिल्स पेएबल है उनको भी हमको पैसे देने हैं, तो एवरेज क्या होगा, दोनों का जब एवरेज निकालेंगे मतलब कि दोनों का टोटल डिवाइड बाय टू करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमको ऑन एन एवरेज कितना पे करना है, मतलब कि एवरेज ट्रेड पेएबल जो है वो हमारा
कितना है वो आपको पता चलेगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये स्टार क्वेश्चन आ गया हमारा, विच ट्रांजेक्शन आर ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है कि जो हमेशा कौन सी एक्टिविटी होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटी ही होते हैं। तो डिविडेंड पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो आपको ऑलरेडी पता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है। तो यहाँ पे जब भी डिविडेंड पे किया जाएगा वो हमेशा हो जाएगी फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्योंकि वो दूसरी दोनों एक्टिविटी में नहीं आएगी, क्योंकि वो डे टू डे नहीं होता तो वो ऑपरेशनल एक्टिविटी में नहीं आएगी। और वो जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि डिविडेंड हम दे रहे हैं उससे हमको वापस कुछ नहीं मिलना है, तो इसीलिए वो ऑपरेशन या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं है। वो कौन सी एक्टिविटी होगी फ्रेंड्स? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो डिविडेंड पेमेंट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब कि प्रेफरेंस शेयर जो है उसको आप रिडीम करते हो, तो वो भी क्या होगा फ्रेंड्स? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द मेन फैक्टर फॉर वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। तो जब भी वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल हम फाइंड करेंगे तो उसका मेन फैक्टर जो है वो कौन सा है या क्या है? द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इज द मेन फैक्टर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल। मतलब कि कोई भी फर्म है या कोई भी कंपनी है, उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, वो जो है वही सबसे बड़ा फैक्टर है किसका? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इज अवर आंसर हियर, वो भी आपको परफेक्टली याद रखना है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच अकाउंट द रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर्ड। मतलब कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस है वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा? इजी क्वेश्चन है, आपने सम कैलकुलेट किए हैं, आपको पता ही होगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। बहुत ही ईजी है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जब भी कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता ही होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट जो है वो बनाया जाता है, उसी के बेसिस के ऊपर इसको बनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई ए न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू गिव हिज शेयर इन गुडविल। मतलब कि कोई नया पार्टनर ज्वाइन होता है तो उसको उसका शेयर देना पड़ेगा गुडविल के लिए, ऐसा क्यों है? मतलब पर्सन जो है वो कुछ पैसे तो दे रहा है नया बिजनेस में आने के लिए, कि जो ऑलरेडी बिजनेस है, जैसे कि कोई ऑलरेडी बिजनेस चालू ही है उसमें मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन, मैंने अपना पैसा देता हूँ और मैं पार्टनर उसमें बन जाता हूँ, तो मुझको गुडविल के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों है कि मुझे गुडविल का भी पैसा देना पड़ेगा? चलिए देखते हैं आंसर इसका। पार्टनरशिप फर्म्स गिव्स राइट टू ए न्यू पार्टनर टू गेट प्रॉफिट इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या देती है नया पार्टनर को? नए पार्टनर को क्या देती है? वो प्रॉफिट शेयरिंग देती है, उसको राइट देती है प्रॉफिट शेयर करने के लिए। तो अगर राइट मिला है उसको प्रॉफिट शेयर करने के लिए, तो गुडविल जो पहले से ही बनी हुई है, नए पार्टनर के आने से पहले जो भी कंपनी की रेपुटेशन बनी हुई है, वो रेपुटेशन बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ खर्चा हुआ होगा, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस हुआ होगा या लोगों की बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क जो है वो लगा होगा, तो उससे बनती है गुडविल, तो उसी में से प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे अगर राइट जो है वो दिया गया है नए पार्टनर को, तो उसको गुडविल का पैसा भी देना पड़ेगा। तो दैट इज़ वाई न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग कैपिटल अमाउंट फॉर गुडविल ऑल्सो। सो बिकॉज द पर्सन विल शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ही विल गेट प्रॉफिट इन द बिजनेस एंड ही इज़ ऑल्सो हैविंग द राइट। उसके पास क्या है? उसके पास राइट है, मतलब कि उसका हक है वो, तो उसके पास राइट है किसका? प्रॉफिट लेने का, इसीलिए उसको गुडविल का भी पैसा देना होगा। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेडली भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दो बार एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। और अगर आपको पूरे के पूरे हमारे वीडियो सेशंस अटेंड करने हैं तो वो बिल्कुल फ्री हैं, आप एक स्लॉट बुक करके हमारे क्लास पे आ सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर दिया है उसके ऊपर फ़ोन करके आप हमको बता सकते हैं कि सर हमको आपके वीडियो लेक्चर्स अटेंड करने हैं, क्योंकि सारे वीडियोस जो है वो हम यूट्यूब में नहीं रखते हैं, तो वो आप आ सकते हो और उसका कोई भी चार्ज नहीं है, तो वो वीडियोज़ जो है वो आप अटेंड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।
वो बियर्स डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। तो मतलब कि जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्यूट होगी, मतलब कि वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो डिसोल्यूशन का एक्सपेंस जो है वो कौन बियर करेगा, मतलब कि वो एक्सपेंस किसको दिया जाएगा या कौन वो एक्सपेंस देगा। तो जनरली पार्टनरशिप हैज़ टू बियर, पार्टनरशिप फॉर्म हैज़ टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। तो अपनी कंपनी बंद हो रही है तो जो डिसोल्यूशन का पैसा है या कंपनी बंद कराने के लिए जो पैसा लगेगा वो भी किसको देना पड़ेगा, पार्टनरशिप फॉर्म को ही देना पड़ेगा। तो वो पार्टनरशिप फॉर्म हैज़ टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एट वॉट रेट कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉलिन एरियाज अमाउंट एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो मतलब कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के मुताबिक कंपनी कौन से रेट पे कॉलोन एरियर्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। हमको ऑलरेडी पता है कॉलोन एरियर्स क्या है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं इसका आंसर। सो इन केस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज साइलेंट, तो मतलब कि अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ नहीं दिया गया है, मतलब कि जब भी कंपनी बनी है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती है उस आर्टिकल में, तो अगर वहाँ पे कुछ नहीं दिया है कि कॉलिन एरियाज में कितना इंटरेस्ट लेना है, तो क्या होगा, 10% पर एनम इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द कंपनी ऑन कॉलिन एरियाज एज पर शेड्यूल आई ऑफ टेबल एफ। तो मैक्सिमम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी चार्ज कर सकती है, तो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपनी चार्ज कर सकती है वो है 10%, उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी चार्ज नहीं कर सकती है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आई ऑफ टेबल एफ। हाउएवर द डायरेक्टर्स आर हैविंग राइट टू वेव द इंटरेस्ट ऑन कॉलिन एरियाज, मतलब कि वो कुछ भी इंटरेस्ट ना ले ऐसा भी डायरेक्टर्स के पास क्या है, राइट है। तो डायरेक्टर हैज़ राइट टू वेव द इंटरेस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट को जाने देना ऐसा भी डायरेक्टर्स के पास राइट है, मतलब कि 0% इंटरेस्ट लेगा तो भी चलेगा, वो भी डायरेक्टर के पास राइट है। तो हमने देखा यहाँ पे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर कुछ नहीं लिखा है तो 10% इज़ द मैक्सिमम इंटरेस्ट दैट कैन बी चार्ज्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कॉलिन एरियाज। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस। व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट क्या है फ्रेंड्स, सो टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स विच इज़ डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, इट इज़ कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट। तो रिसीविंग अमाउंट इज कॉल्ड एन एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस में बोला गया है वही आपको इक्वेशन में लिखना है इजीली। तो आप कैसे लिख सकते हो, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ द गिवन ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे कि 10 साल में एवरी ईयर कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है वो सारे प्रॉफिट को आप टोटल कर दो, डिवाइड बाय 10 कर दो, तो वो जो भी अमाउंट आपको मिलेगी वो होगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स, मतलब कि सारे साल का टोटल प्रॉफिट, मतलब 5 साल 10 साल जितने भी साल है वो सब प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये जो है वही होगा एवरेज प्रॉफिट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अदर नेम ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स, तो दूसरा नाम जो है वो है नेट एसेट्स। ये भी ऐसा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स जो है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं या इसमें करेक्ट आंसर नहीं दे पाते। इसमें आपको एक ही वर्ड याद रखना है जो है नेट एसेट। अगर नेट एसेट जो है वो आपको याद नहीं आया तो आपका मार्क जो है वो 100% जा सकता है, और अगर आपको ये अगर याद आ जाता है तो नेट एसेट के ऊपर आपका एक मार्क 100% पक्का है। तो अदर नेम ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज नेट एसेट्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। When revaluation account is debited and credited, तो revaluation account कब debit होता है और कब credit होता है। वैसे ये थोड़ा common sense वाला question है, आपको शायद पता भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। When assets value increases and liability value decreases, then revaluation account will be credited, मतलब कि जब भी asset की value increase होती है, मतलब कि company की overall value बढ़ेगी क्योंकि हमारे assets जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो asset की value जब भी increase होगी और लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, मतलब कि जो भी हमारा पेमेंट करना बाकी है, जो भी हमारी लायबिलिटीज़ है वो डिक्रीज़ होगी, तो क्या होगा, जो टोटल वैल्यू है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगी। और अगर इससे उल्टा होता है तो क्या होगा,
वो जो रिवेल्यूएशन अकाउंट है वो उसमें अमाउंट डेबिट होगी। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको क्लियर है कि जब भी एसेट्स इंक्रीज़ होंगे, मतलब कि कंपनी की प्रॉपर्टीज़ एसेट्स जब भी इंक्रीज़ होंगे और लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होंगी, ये दोनों जब साथ में होंगे तो रिवेल्यूएशन अकाउंट में वो क्रेडिट होगा, और जब भी इसका उल्टा होगा तो रिवेल्यूएशन अकाउंट में यही चीज़ डेबिट होगी। चलिए फ्रेंड्स लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द सर्कमस्टेंसेस फॉर कंपल्सरी डिसोल्यूशन बाय द एक्ट, मतलब कि कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना ही पड़ेगा कंपनी का, मतलब कंपनी कंपल्सरी बंद करनी पड़ेगी, वो कौन कौन सी सिचुएशन है। तो फर्स्ट सिचुएशन व्हेन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब सभी पार्टनर्स जो है वो इंसॉल्वेंट बन गए, मतलब किसी के पास कोई भी पैसा नहीं है बिजनेस रन करने के लिए। जब ऐसा होता है तो क्या होगा कि कंपनी को कंपल्सरी डिसोल्यूशन, मतलब कि कंपनी को कंपल्सरी बंद होना पड़ेगा। सेकंड व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल, तो अगर फर्म का बिजनेस इलीगल बन गया तो भी उसको कंपनी को वो बिजनेस जो है वो बंद करना पड़ेगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स जो है वो बहुत सारी कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही थी इंडिया में, फिर जो है रूल आया कि प्लास्टिक जो है वो बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है और उसको हार्म करता है। तो अभी अगर ये बिज़नेस इलीगल हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया कि अभी आप प्लास्टिक की कुछ चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कुछ प्लास्टिक बैग्स, कुछ पैकेजिंग मटेरियल जो चीप लेवल के होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, अभी बिज़नेस हो गया इलीगल। दैट मीन्स कि उसको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये दो सर्कमस्टेंसेस है कि जब भी पार्टनर के पास पैसा नहीं है, या फिर सेकंड सर्कमस्टेंसेस कि जब भी बिजनेस जो है वो इलीगल बन जाता है, तो इन दोनों सर्कमस्टेंसेस के ऊपर कंपलसरी डिसोल्यूशन लगेगा। चलिए फ्रेंड्स अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 विच टाइप ऑफ शेयर कैन नॉट बी इश्यूड बाई द कंपनी, तो फ्रेंड्स पूछा है यहाँ पे कि कौन से टाइप का शेयर जो है वो कंपनी इश्यू नहीं कर सकती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट क्या होता है। उसके पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ कि अभी अगर आपको यूट्यूब में आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपको कुछ फ्री वीडियोज़ और चाहिए तो आप हमारे क्लास पे आ सकते हो और वहाँ पे फ्री वीडियो सेशंस आप अटेंड कर सकते हो। हमने अकाउंट्स के ऊपर ही 150 क्वेश्चंस बनाए हैं जो वन लाइनर क्वेश्चंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसकी टेस्ट भी आपको दी जाएगी। तो अगर आपको ये करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो नीचे नंबर में दिया गया है आपको, तो वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ चार्ज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ जामनगर। तो अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट विच टाइप ऑफ शेयर कैन नॉट बी इश्यूड बाई द कंपनी, सो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी विल नो लॉन्गर बी परमिटेड टू इश्यू द शेयर एट डिस्काउंट, मतलब कि कंपनी डिस्काउंट दे के शेयर इश्यू नहीं कर सकती है। दैट इज द रूल अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। तो फ्रेंड्स दैट्स इट फ्रॉम प्रोफेसर डॉक्टर गौरव मेहता टुडे, दिस इज साइनिंग ऑफ।